दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। एक जोरदार जयकारे से शुरुआत करेंगे, सब लोग अपनी मुट्ठी तान लें। पूरे इलाके में इस जयकारे की आवाज जानी चाहिए कि इतना शानदार स्कूल नसीरपुर में खुला है। तो सब लोग मुट्ठी तान लें और मिलकर कहें, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। यहां मंच पर मौजूद इलाके के लोकप्रिय विधायक विनय मिश्रा जी, पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी, हमारे शिक्षा सचिव अशोक कुमार जी, शिक्षा निदेशक आर.एन. शर्मा जी, यहां पे मौजूदा हमारे काउंसलर्स, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे इलाके के लोग और इस स्कूल में पढ़ने वाले माता बच्चों के माता पिता, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सबको सत श्री अकाल, सबको आदाब। और आप सबको आज शानदार स्कूल खोलने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन आज इस स्कूल पे बधाई देने से पहले, इस स्कूल के बारे में बताने से पहले, मैं ना सिर्फ इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को, बल्कि मैं दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे और उनके माता पिता को बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि आज के इस शुभ अवसर पर दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में सत्रह महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया जी, और जिस दिन मनीष सिसोदिया जी की बेल हुई, आज उन्हीं के द्वारा एक स्कूल जिसका उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था, आज उसका उद्घाटन हो रहा है। तो एक जोरदार जयकारा मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाएंगे। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.